बरसों बरस मनाया रब नू तब ये किस्मत मानी, अपने आंगन में भी आई परियों की एक रानी। प्यारी सी मुस्कान है उसकी और है भोली भाली, नन्ही सी कली मेरी लाडली, नन्ही सी कली मेरी लाडली, नन्ही सी कली मेरी लाडली। रंग बिखर जाते हैं इसकी एक मुस्कान से घर में, कुछ हो जाए इसे तो सारे फिकर में। आँखों में उसकी है चमक हर पहर शरारत वाली, नन्ही सी कली मेरी लाडली, नन्ही सी कली मेरी लाडली, नन्ही सी कली मेरी लाडली। जमाना बदल रहा है, पर ये बात बुड्ढी के पापा को कौन समझाए? पापा ये तो नहीं सोचेंगे ना कि मैं उनकी बात नहीं मान रही। दलजीत कह रही थी कि उसने सुखदेव से बात की थी और सुखदेव गुड्डी की राय जानने के लिए उससे बात करने के लिए तैयार हो गया है। तूने सुखे चाचू को कह दिया कि तेरे को जमनादास कॉलेज में जाना है तो उन्होंने मना नहीं करना है। आपको क्या लगता है कि गुड्डी की राय जानने के बाद सुखदेव उसे जेडी कॉलेज में भेजने के लिए तैयार हो जाएगा? अब देखिए आगे। सॉरी ताया जी, पर मैं बहुत डर गई थी, नर्वस हो गई थी। मेरे को लग रहा था मुझे पापा ने बहुत डांटना है। कोई गल नहीं पुत्र, हो जाता है कभी कभी। तू देख, हम ना आज रात को फिर से सुखदेव से बात करेंगे, ठीक है? नहीं पाशु जी, अब बात करने से कोई फायदा नहीं होगा। वीर जी, आप कैसी बातें कर रहे हो? गुड्डी कह रही है ना कि वो नर्वस हो गई थी। मुझे तो ये प्यार ही समझ में नहीं आया। भी सुखदेव की बेटी, जिसको वो जान से भी ज्यादा प्यार करता है, उसके सामने जब अपने दिल की बात कहना चाहती है तो वो नर्वस हो जाती है, डर जाती है। ये कैसा प्यार है, हैं? जो एक बेटी को अपने बाप से नजदीक होने के बजाय दूर ले जाए। नहीं जी प्रोफेसर साहब, आपको तो पता है ना कि गुड्डी सुखदेव की कितनी इज्जत करती है, बस इसीलिए उसके सामने बोल नहीं पाई। गुड्डी, मेरी समझ में एक बात नहीं आती, तू सुखदेव के सामने इतना डर क्यों जाती है, क्यों इतना नर्वस हो जाती है, है पुत्र? या ये हो, है तो दोनों आपसे छोटे ही, इनको सही रास्ता दिखाना आपका फर्ज भी है और हक भी। आप ही अगर ऐसे नाराज हो जाएंगे तो। नाराज नहीं हूँ मैं हैरान हूँ, परेशान हूँ। कोई वाहेगुरु ने आपके हाथ में इतना नायाब हीरा दिया है और उसको गहने में जड़ने की बजाय आप धूल में फेंक रहे हो। आपका गुस्सा हमेशा 5 मिनट का होता है, तो इस बार क्यों खींच रहे हो? छोड़ो ना। आप लोग ना मुझे समझने की कोशिश नहीं कर रहे। मैं ये कह रहा हूं कि गुड्डी की राय से सुखे की सोच बदली जा सकती थी। गुड्डी अगर थोड़ा सा इशारा भी उसे कर देती ना, तो उसने इसकी बात को नजरअंदाज नहीं करना था। मुझे पूरा यकीन है कि सुखा इसकी खुशी को इग्नोर कर ही नहीं सकता। वीर जी, अब तो नाराजगी छोड़ दीजिए और इसे चुप करा लीजिए, देखिए कितनी रो रही है। ओए गुड्डी पुत्र, आई एम सॉरी। देख पुत्र,
बच्चा अपने माँ बाप के सामने अपनी दिल की बात नहीं कहेगा तो फिर किसके सामने कहेगा है? तू समझ रही है ना मैं कहना क्या चाहता हूँ? बताया जी, मैं अभी शायद पापा के सामने खुल के बात नहीं कर पाऊंगी। पता नहीं क्यों मुझे पापा से इतना डर लगता है। कोई बात नहीं, देख माँ बाप का फर्ज है कि वो अपनी औलाद को सही रास्ता दिखाए, ठीक है? अब औलाद का भी ये फर्ज बनता है कि माँ बाप जहां जहां कोई गलती करे तो वो अपने माँ बाप को उस गलती का एहसास कराए। लेकिन एक बात है, इस वक्त अगर सुखे ने तुझे जेडी कॉलेज में ना जाने दिया ना तो वो जिंदगी की सबसे बड़ी गलती कर रहा है। बस देख बेटी पुत्र, मुकम्मल तो कोई इंसान नहीं होता, सुखदेव भी गलती कर सकता है। अब जब ये सारे महसूस कर रहे हैं कि तेरा दाखिला जमुना दास कॉलेज में होना चाहिए तो ये गलत तो नहीं हो सकते ना पुत्र, है ना? तू भी तो जमुना दास कॉलेज जाना चाहती है, जाना चाहती है ना? मैं क्या करूं कुल्लू, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। तू कुछ मत कर, देख ये सारे बड़े हैं ना, इन सब ने कोई ना कोई रास्ता निकाल ही लेना, समझी? चल अब हंस के दिखा। हंस हंस। हंस। और अगर ये सारे कोई रास्ता नहीं ढूंढ पाए ना तो मैं, तेरा वड्डा वीर तो है ना, इसने कोई ना कोई रास्ता तो ढूंढ ही लेना। तू तो बस जमुना दास कॉलेज जाने की तैयारी कर, तेरा काम तो मैंने करना ही है। यार गुल्लू, मुझे ना अपने आप पे ही गुस्सा आ रहा है। गुस्सा तो मुझे भी बहुत आ रहा है तेरे पे गुड्डी। तू कब आई? तुझे अभी दिखी ना, तू बस समझ ले अभी अभी आई। गुड्डी लगता है पूजा बड़े गुस्से में, क्या बात है पूजा? शट अप गुल्लू। क्या हो गया पूजा, बड़ी ओखी ओखी लग रही है। तू सच कह रहा है गुल्लू, मैं ना इतनी दुखी हूँ कि मैं बता ही नहीं सकती। गुड्डी के बच्चे को तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता है, इसने तो चले जाना है उस सिटी गर्ल्स कॉलेज में, पर मैं नहीं जा सकती हूँ सड़े हुए गर्ल्स कॉलेज में। वो भी कोई कॉलेज है भला जहाँ कोई लड़का ना हो? एक बात बोलूं गुल्लू, जेडी कॉलेज से अच्छा कोई कॉलेज ही नहीं। पर किसी को क्या, किसी को तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता। बात तो तू 100% करेक्ट कर रही है, कॉलेज में जाने का भी क्या फायदा जहां पे हैंडसम लड़के ना हो। जब हमारी फूल सी पूजा को देखकर ठंडी आहें ना भरे। कमीने, तू मेरे को छेड़ रहा है ना, मैंने ना तेरे को श्राप दे देना है, तू भी ना अगले जन्म में लड़की बने और मेरे जैसे लड़कों से मिलने को तरसे।
किसी ने तेरी को सड़ी गली घास भी नहीं देना है। वाह पूजा वाह। वैसे मैं सोच रहा था कि अगर गुल्लू वीर लड़की होगा क्या लगेगा। चुप कर, तू बीच में मत बोल। अरे पूजा, बाऊजी और ताया जी ने कहा है कि वो पापा से दोबारा बात करेंगे। सच्ची गुड्डी? हाँ पूजा बेटी, हम भी यही चाहते हैं कि तुम अच्छे से अच्छे कॉलेज में जाओ, अच्छे से अच्छा बॉयफ्रेंड बनाओ और हमारे खानदान का नाम रोशन करो। सच्ची गुल्लू, तूने ना मेरा दिल खुश कर दिया। गुल्लू वीर, ये लड़के है या थर्मामीटर? एक ही झटके में इसका पारा जीरो पे आ गया। ओए चुप कर चूजे। गुल्लू, पर मुझे नहीं लगता पापा ने मान जाना है। तू चुप कर, मिस नेगेटिव थिंकिंग। पता है गुल्लू, कल फोन पे मुझे क्या एडवाइस दे रही थी? क्या क्या सलाह दे रही थी पूजा पुत्र? मुझे सड़ाने के लिए कह रही थी कि एक ही बंदा है जो हमारा बेड़ा पार कर सकता है और वो है गुल्लू। यानी कि तू, मतलब कुछ भी बकवास करती रहती है। पागल, वो मैं नहीं, यही था। मेरी आवाज बना बनाकर अपनी तारीफों के पूल पे पूल बांध रहा था ये। गुल्लू के बच्चे मजाक करता मुझसे, किसी शरीफ लड़की को छेड़ते तो शर्म नहीं आती। वैसे गुल्लू वीर, जब आप पूजा को गुड्डी की आवाज में बेवकूफ बना रहे थे तब मैं कहाँ था? बेटा तू बिस्तर में सुसु कर रहा था। वैसे तुम दोनों को एक बात मैं बता दूं, तुम दोनों को अगर किसी ने बेड़ा पार लगवाना है ना तो मैंने, सिर्फ मैंने ही लगवाना है। अच्छा चल बता, तूने सुखदेव अंकल को कैसे कन्विंस करना है कि वो हम दोनों को जेडी कॉलेज में एडमिशन दे? पूजा तू तो जानती है मेरे सारे प्लान टॉप सीक्रेट होते हैं। पूजा, पापा ने इसकी बात माननी तो दूर, सुननी भी नहीं है। ये ना तेरे को बेवकूफ बना रहा है, मत आ इसकी बातों में। वैसे गुड्डी, गुल्लू की बात सुन लेने में हर्ज क्या है? सुन गुल्लू, अगर तूने सुखदेव अंकल को कन्विंस कर दिया ना तो मैं तेरा मुंह मोतियों से भर दूंगी। ये की ना तूने बात अकलमंद वाली। इधर पागल हो गया क्या? कुछ भी बोल रहा है। पूजा, तू इसकी बातों में बिल्कुल मत आना। यार गुड्डी, मैंने पूरा प्लान तेरे को बाद में समझाना है। बोलो पूजा। एक बात सुन ले गुल्लू, अगर तूने मेरे साथ मजाक किया ना तो मैंने जिंदगी भर तुझसे बात नहीं करनी है। ओ बिल्कुल नहीं पूजा, कैसी बात करती है? अरे यार कोई मुझे बताएगा कि ये हो क्या रहा है? तू चुप कर यार। पूजा, तू इसकी बातों में बिल्कुल मत आ। क्या हो गया पूजा, ऐसे कबूतरी की तरह क्या देख रही है? Oh,
शानी, ओए तेरे चौल साफ हुए कि नहीं हुए? आधे घंटे से ज्यादा हो गया तुझे चुनते हुए, पानी भी खोलने लगा है। ऊपर जाए जी, ये भी तो देखो गर्मी कितनी है। पता है हमारे लंदन में ना तो हर जगह फुल्ली एयर कंडीशन होती है। लाइए पर जाइए, मैं चुन लेती। नहीं नहीं मैं कर लेती। दे दीजिए, आप थोड़ी देर आराम कर लीजिए। दे दीजिए। मम्मी आज पता है क्या हुआ? क्या हुआ? आज ना पार्क में पूजा ने मिक्की वीर को जफ्फी मार के उसके गाल पे पप्पी ले ली। क्या? पप्पी ले ली? ओए तेरे को किसने कहा ये सब? अरे कहना किसने था ताई जी, मैंने अपनी आंखों से देखा था। मैं था, गुड्डी थी, गुल्लू वीर थे। आने दी इस पूजा की बच्ची को, मैंने ना इसकी कस के खबर लेनी है। हाँ वैसे परचाई जी, मेरे को ऐसा लगता है कि पूजा ना हमारे मिक्की को बड़ा पसंद करती है। थोड़ी जल्दी है पर है बड़ी प्यारी। दोनों की जोड़ी ना बड़ी कमाल लगनी है, बिल्कुल मेरी और इनकी जोड़ी की तरह। शानी मैं समझ रही हूँ जो तू सोच रही है, पूजा ना भी बच्ची है, ऐसी उम्र में लड़के लड़कियां इस तरह की हरकतें करते रहते हैं, उनकी हरकतों पे ना ज्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए। हाँ हाँ शानी पर जाइए, थोड़ा बड़ा हो जाने दो फिर सोचना ये सारी बातें। ओ दलजीत, तू मेरे को शादी की जल्दी कहाँ है? मैं तो बस ये कह रही थी कि अगर लड़का लड़की एक दूसरे को पसंद करते हैं तो बात पक्की करने में हर्ज क्या है, और रही बात शादी की तो 2-4 साल बात कर देंगे। पर मम्मी मेरे को नहीं लगता कि मिक्की वीर पूजा दीदी को बहुत पसंद करते। और चुप कर, चुप। तेरे को कितनी बार समझाया ना कि बड़ों के बीच में नहीं बोलते हैं, चल जा। मेरे को पहले ही पता था आप यही कहोगे। जाए जी, मुझे इस रिश्ते से कोई इतराज नहीं है। वो क्या है ना कि पूजा के पापा जो है ना पटियाला के सबसे बड़े बिजनेसमैन है, और पूजा ठहरी उनकी इकलौती लड़की। चुप कर, मैंने सॉरी तो बोल दिया ना। बड़ा आया सॉरी बोलने वाला। तू बस मुझे ये बता तूने ऐसा किया क्यों? अरे तो पहले इसका गला तो छोड़, तभी तो ये बोलेगा। खबरदार जो तूने मेरे साथ ऐसा मजाक किया तो फिर तू देखियो। यार मैंने मरना है क्या झूठ बोल के? गुड्डी समझाना इसको कि पूजा ने कहा था इसके साथ फोटो खिंचवानी है। मैंने तो सिर्फ फोटो खींचे भाई। हाँ मिक्की ये सच कह रहा है। ए गुड्डी तू ना मिक्की वीर को ना बेवकूफ मत बना। मिक्की वीर ये ना इन दोनों की चाल है। और टिड्डे तू चुप कर, तेरे को कितनी बार समझाया ना जब बड़े बात करे ना तो अपनी टांग बीच में नहीं अड़ाते। अरे बात बात पे गुड्डी गुड्डी क्या करते है तू है? तेरे को 50 बार समझाया ना गुड्डी दीदी बोला कर।
तू सच बोल रहा कि नहीं बोल रहा? बताता हूँ लेकिन पहले मन्नी को बोल कि यहाँ से बाहर जाए, तभी बताऊँ। मन्नी तू जा नीचे जाके खेल। मेरे को पहले ही पता था ये ना तुम्हारी नहीं चाले मेरे भाई को फंसाने की। और तेरे को भी मिक्की ने कहा ना नीचे जाने के लिए, तो जा यहाँ से, चल जा। अब तो मैंने तेरे को गुड्डी बोला है, जब बुड्ढी हो जाएगी ना तब भी। अरे रुक तो नलायक का। गुड्डी चुप। नो भाई बदतमीज है। हाँ नहीं तू नहीं हरी और ये बोल। एक्चुअली जब लाइफ में पहली बार पूजा के फर्स्ट डिवीजन आई ना तो उसके पिताजी ने खुश होके बोला बोलो पुत्र क्या चाहिए। तो पूजा ने तीन चीजें मांगी, पहला स्कूटी, दूसरा कैमरे वाला मोबाइल और तीसरा, अरे गुल्लू ये तीसरी चीज क्या है? अरे तीसरा अपना मिक्की। ओ मिक्की। तभी तो पूजा ने इसकी फोटो खींची है ताकि अपने मम्मी पापा को दिखा सके कि लड़का जितना कैचा है। गुल्लू अब क्या होगा? क्या बात है गुल्लू, आज तो एक्सरसाइज हो रही है। हर बात पे दांत मत फाड़ा कर, तेरे को पता है मेरी गर्दन में अभी तक दर्द हो रहा है। तो फिर तू बेवजह पंगे क्यों लेता है? यार पंगे लेने तो मैं छोड़ नहीं सकता, कम से कम थोड़ी एक्सरसाइज करके अपने आप को मजबूत बना सकता हूँ ताकि अगर अगली बार कोई मेरी गर्दन पकड़ने की कोशिश करे ना तो उसका मुकाबला कर सकता। पागल है क्या? पर गुल्लू मेरे को ऐसा लगता है कि तुझे पूजा के साथ शायद ऐसा मजाक नहीं करना चाहिए था। जारी कितनी उम्मीदें लेके बैठी थी कि तूने हमें जेडी कॉलेज भिजवाने के लिए पापा को कन्विंस कर लेना है, पर मेरे को पता है तू कुछ नहीं कर सकना है। तेरे को पता है तुम सबकी प्रॉब्लम क्या है? क्या तुम गुल्लू दी ग्रेड को भी जानते ही नहीं हो? अगर मैं चाहूँ ना तो अमेरिका का प्राइम मिनिस्टर बन सकता हूँ। गुल्लू तेरी नॉलेज के लिए मैं एक बात बता दूँ, अमेरिका का ना प्रेसिडेंट होता है ना कि प्राइम मिनिस्टर। तू तो हमेशा इम्पॉसिबल बात ही करनी है। इम्पॉसिबल? तेरे को लगता है मेरा अमेरिका का प्रेसिडेंट बनना इम्पॉसिबल है? नहीं मेरा जेडी कॉलेज जाना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। क्या क्या सोचा था सारे सपने टूट गए, सारी उम्मीदों पर पानी फिर गया। पर गुल्लू अब मैंने सोच लिया है कि मैंने वही करना है जो मेरे पापा ने कहना है, फिर चाहे मुझे सिटी गर्ल्स कॉलेज में 3 साल सड़ना ही क्यों ना पड़े। पर गुड्डी तेरा जेडी कॉलेज जाने का सपना? गुल्लू मैंने फैसला कर लिया है कि गुड्डी ने अब जो भी सपना देखना है अपने पापा के लिए देखना है, अपनी पापा की आंखों से देखना है। अब तेरे को कौन से भाई के कॉलेज में पढ़ना है ये फैसला कर ले। सेफ्टी के नाम पर हम गुड्डी के फ्यूचर और उसके करियर के साथ नहीं खेल सकते। यार वीर जी हम सब फालतू की बहस कर रहे हैं। गुड्डी की भलाई के लिए अगर मैंने अपने असूलों के साथ समझौता किया है तो थोड़ा बहुत समझौता आप लोग भी कर सकते हो। तेरा ये मानना है कि तुझे आजकल के लड़कों पर भरोसा नहीं है, लेकिन मेरा ये मानना है कि तुझे अपनी बेटी पर, अपने खून पर और अपने संस्कारों पर भी भरोसा नहीं है।